विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक्सपी क्लासेस में। तो आज अपना टॉपिक है वह है कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का पहला अध्याय फ्रांसीसी क्रांति, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की, जो 6 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं। इससे पहले यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 4 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित, उन वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए जो उत्तरदायी परिस्थितियां थी उनको आप बताइए। फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से है, तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें कुछ परिस्थितियां निम्न थी, जैसे राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां। इसके अलावा जो दार्शनिक थे, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उनका भी योगदान, उनके जो लेख थे, लोग उससे भी प्रभावित हुए थे। तो फ्रांस की क्रांति आधुनिक यूरोप की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसकी शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई। फ्रांसीसी क्रांति के लिए निम्न परिस्थितियां उत्तरदायी थी। तो राजनीतिक परिस्थितियां, फ्रांस का राजा स्वार्थी था, वह राजा के देवी अधिकारों में पूर्ण विश्वास करता था। सम्राट लुई 16 का कथन था कि मैं ही राज्य हूं। दरबारी और सामंतों को कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया था। राज्य में सेना और अन्य महत्वपूर्ण पद पैतृक थे। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ था। शासन में जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार से बन गई थी कि राजा खुद को देवीय मानने लगा था और जो राजा के दरबारी थे वो ना कर देते थे, ना उन पर किसी प्रकार का कानून लागू होता था। पूरी तरीके से जो राज्य था वो भ्रष्टाचारी हो गया था। इस वजह से वहां पर कोई न्याय करने वाला नहीं रह गया था। और लुई 16 के आने के वजह से ये परिस्थिति और बिगड़ती चली गई। सामाजिक परिस्थितियां, तो सामाजिक परिस्थितियां कुछ इस प्रकार थी कि समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था। सामाजिक रूप में भी काफी भिन्नता थी। वहां के नागरिकों को 3 वर्गों में या स्टेट में बांटा गया था। पहला वर्ग था उच्च, दूसरा वर्ग मध्यम और तीसरा वर्ग निम्न था। उच्च वर्ग में अधिकारी, सामंत व पादरी आते थे। इन लोगों की स्थिति काफी अच्छी थी, इन पर कोई कर नहीं लगाया गया था। दूसरे वर्ग में कुलीन वर्ग के लोग शामिल थे, जिनकी स्थिति भी करीब करीब ठीक थी। तीसरे वर्ग में वकील, डॉक्टर और शिक्षक लोग थे। इसी वर्ग में आम जनता को भी रखा गया था। इन्हें राजा को कर देने के साथ साथ पादरी को भी कर देना पड़ता था। इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। जो तीसरा वर्ग था वो राजा को कर तो देता ही देता था। इसके अलावा जो उच्च वर्ग था, जो पहला प्रथम स्टेट था, उसको भी वो कर देते थे और पादरी लोगों को वो टाइट नापक धर्म का जो कर लगता था वो भी वहां पर देते थे। यानी पहले और दूसरे वर्ग को कर ही नहीं देना पड़ता था, जबकि सिर्फ जो कर देते थे वो तीसरे वर्ग के लोग ही कर देते थे। इस वजह से सामाजिक परिस्थितियां भी बिगड़ती चली गई। आर्थिक परिस्थितियां, फ्रांस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। करों का विभाजन काफी असंतोषजनक था। उच्च वर्ग के लोग करों से बिल्कुल मुक्त थे। संपूर्ण बोझ जन साधारण पर था। औद्योगिक क्रांति होने के कारण श्रमिक बेकार हो गए थे और बेकारी के कारण काफी असंतोष था, जो बेरोजगार फैल गया था। धीरे धीरे फ्रांस ऋण के बोझ से दबने लगा। पूंजी के अभाव में व्यापार खत्म होने लगा। तो आर्थिक परिस्थितियां भी काफी महत्वपूर्ण हो गई थी फ्रांसीसी क्रांति के लिए। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उससे पहले 1788 में अकाल भी पड़ गया। एक ये भी एक जिम्मेदार रहा फ्रांसीसी क्रांति के लिए। और दार्शनिकों का योगदान, दार्शनिक जो बुद्धिजीवी लोग थे, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने आम जनता को समझाने का अधिक प्रयास किया, जनता के बीच जाकर राजतंत्र के बारे में बताया कि दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वह राजतंत्र ही है। रूसो ने तो अपनी किताब में राजा के देवी अधिकारों पर कठोर प्रहार किया। ठीक उसी प्रकार वोल्टेयर ने अपनी किताब में चर्च पर निशाना साधा। ठीक है, तो ये जो निम्न कुछ परिस्थितियां थी फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी थी कि पादरी लोग धर्म के नाम पर न्याय नहीं करते थे, लोगों से कर अधिक वसूला जाता था, मजदूर किसान उनको उत्पीड़ित किया जाता था। तो ये कुछ निम्न कारण थे जिनको आपको ध्यान रखना है। रटना नहीं है, बस समझते चलिए, बाकी का आपको तैयार होता चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति पर किन किन दार्शनिकों का प्रभाव था? तो जो दार्शनिक थे उनमें आपके निम्न थे रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू। तो उन्हीं की बात करते हैं। फ्रांस की क्रांति पर निम्नलिखित दार्शनिकों का प्रभाव था। रूसो फ्रांस के एक महान दार्शनिक थे। इन्होंने फ्रांस में निरंकुशतावाद को समाप्त करने के लिए अपने क्रांतिकारी विचारों द्वारा लोकतांत्रिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी प्रसिद्ध कृति। आपको याद रखना है कि रूसो की जो बुक का नाम है, किताब का नाम है,
वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इनका विचार था कि राजा को जन भावनाओं के अनुकूल कार्य करना चाहिए। फ्रांस की क्रांति को प्रोत्साहित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मॉन्टेस्क्यू ये एक महान विचारक एवं लेखक थे। ये गणतंत्रीय लोकतंत्र के समर्थक थे। ये राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांतों के घोर आलोचक थे। इंग्लैंड की शासन पद्धति पर इनका गहरा प्रभाव था। ये फ्रांस में भी इंग्लैंड की तरह ही शासन व्यवस्था की उम्मीद करते थे। इन्होंने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में की है। और तीसरे हैं आपके वोल्टेयर। ये एक प्रसिद्ध विचारक एवं लेखक थे। इनके विचारों से फ्रांस की क्रांति को प्रमुख बल मिला। ये निर्गुण शासन के स्थान पर जल कल्याणकारी शासन की स्थापना करना चाहते थे। इन्होंने चर्च की बुराइयों की तुलना बदनाम वस्तु से की है। इस प्रकार फ्रांस के लोग रूसो, मॉन्टेस्क्यू तथा वोल्टेयर जैसे महान दार्शनिकों एवं लेखकों के विचार से प्रभावित होकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे। इन प्रमुख विचारों ने फ्रांस के निवासियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बुराइयों से अवगत कराया। तीसरा आपका फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक जो प्रमुख कारण थे उस पर, वो कौन कौन से कारण थे? तो फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। जो राजा था वो निर्कुंश था, राजा का निर्कुंश हो रहा तो फ्रांस का राजा स्वेच्छाचारी एवं निर्कुंश हो गया था। वहां के शासक ने राजा के दैवीय अधिकारों को प्रतिपादित किया तथा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। इस कारण राजा जनता के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल गया तथा जल कल्याणकारी के प्रति लापरवाही बरतने लगा। राजा द्वारा अपव्यय किया जाना। इस समय राजा द्वारा नागरिकों पर अनेक अनेक करों का अधिरोपण किया जाता था। जनता द्वारा प्राप्त इन करों को राजा के भोग विलास पर खर्च किया जाता था। प्रांतों में असमानता। फ्रांस के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग कानून प्रचलित थे। गरीब एवं अमीर वर्ग के लिए भी अलग अलग कानून थे, जिसके कारण जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। राजा के दरबारियों के पास अधिकार पत्र होते थे जिन पर राजा की मोहर लगी होती थी। वे जिन्हें चाहे कैद कर सकते थे, उनके नाम पर अधिकार पत्र पर लिखे होते थे। इन व्यवस्था के कारण अनेक निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ता था। और इसी कारण बास्टिल का जो किला था, जो एक जेल थी, उसको 1789 में तोड़ दिया गया, जिससे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। आगे सेना में असंतोष। साधारण सैनिकों की उन्नति के द्वार बंद थे, जिसके कारण सेना में असंतोष उत्पन्न हुआ, जो फ्रांस की राज क्रांति का एक कारण बना। इस प्रकार उपरोक्त राजनीतिक परिस्थितियां फ्रांस की क्रांति का कारण बनी। और फ्रांस की जो सेना थी वो काफी समय से युद्ध भी लड़ रही थी, ये भी एक असंतोष का कारण था। तो कुछ ये राजनीतिक कारण थे। दास प्रथा के अंत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। आपको ये संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दास प्रथा के अंत पर। तो उत्तर इस प्रकार से है कि जैकोबिन सरकार द्वारा जो महान सुधार हुए उनमें दासता का अंत महत्वपूर्ण था। दासता जैकोबिन सरकार ने खत्म की। फ्रांसीसी उपनिवेशों में कैरिबियन जैसे मोर्टिनिक, गॉडलो और सेंट डोमिंगो आदि महत्वपूर्ण थे, जो तंबाकू, नील, चीनी तथा कॉफी के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। फ्रांसीसियों को जहां श्रमिकों की आवश्यकता थी, वहीं यूरोपीय द्वारा दूर देश में जाकर काम न करने की इच्छा ने दासों का व्यापार शुरू किया, जो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के मध्य शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में इसे त्रिकोण दास व्यापार के नाम से जाना जाता था। फ्रांसीसी व्यापारी अपने पोतों को बोर्डे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट तक ले जाते, जहाँ से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। इन दासों को हथकड़ी लगाकर 3 महीने लंबी अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों की समुद्री यात्रा पर भेज दिया जाता था। हालांकि 18वीं सदी में दासता की कमी आलोचना हुई। लंबी बहस के बाद नेशनल असेंबली द्वारा 1794 में दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा सभी दासों को फ्रांस एवं इसके समुद्र पारिये उपनिवेश से मुक्त कर दिया गया। 10 साल के उपरांत नेपोलियन द्वारा पुनः बागान मालिकों को श्रमिकों की आपूर्ति शुरू की गई। ये दास अफ्रीकी निग्रो के नाम से जाने जाते थे। अंततः 1848 में फ्रांस के उपनिवेशों से दासों का उन्मूलन किया गया। तो इस प्रकार से दासता थी, जो अफ्रीकी लोगों को बंदी बनाकर उनको दास के रूप में रखा जाता था, तो इस प्रकार से दास प्रथा खत्म हुई। और जो फ्रांसी या और दूसरे देश के थे वो अफ्रीकी लोगों को दास बनाकर रखते थे। तो फ्रांस में 1848 में दासों का उन्मूलन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसी समाज में 18वीं सदी में महिलाओं को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्या आप इससे सहमत हैं? वर्णन कीजिए। हाँ, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी तथा इन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना कर
करना पड़ रहा था। इसे निम्नांकित तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है। तृतीय स्टेट की अधिकतर महिलाएं कमजोर घर से थीं तथा इन्हें जीविकोपार्जन के लिए काम करना पड़ता था, इन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, रोजगार के लिए जाना पड़ता था। ये कपड़े धोने एवं घरेलू नौकरों के रूप में काम करती थी तथा ये बाजार में फल फूल एवं सब्जियां भी बेचती थी। इनमें से अधिकतर को प्रशिक्षण तथा शिक्षा एवं नौकरी प्राप्त नहीं थी। एक मजदूर के रूप में इन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती थी। इन्हें कम उम्र में माता पिता द्वारा शादी करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो कुछ ये महिलाओं की स्थिति थी उस वक्त फ्रांस में, जो कि महिलाओं की स्थिति बदतर थी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कि उन्हें घर में काम करना था पड़ता था, सिर्फ नौकरों की तरह ही काम करना पड़ता था, मजदूरी कम मिलती थी, शिक्षा नहीं हो पाती थी, जल्दी शादी कर दिया जाता था। तो कुछ ये निम्न आपके कारण थे महिलाओं के, जो जिससे इनकी स्थिति कमजोर होती गई। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। किस कारण से फ्रांसीसी क्रांति हुई? तो आपको पता है कि मैं पहले भी इस बारे में डिटेल में बात कर रहे थे, वो कुछ राजनीतिक कारण थे, सामाजिक आर्थिक कारण थे। इसके अलावा सेना में असंतोष था, कर जो था वो नहीं लगता था सही तरीके से। तो फ्रांस की क्रांति विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ये क्रांति 18वीं शताब्दी में हुई, पूर्णतः खूनी एवं हिंसात्मक थी। खूनी और हिंसात्मक आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बास्टिल का किला ढाया गया था। इस क्रांति के समय फ्रांस में निर्गुण राजतंत्र का शासन था। राजा स्वयं को देवी अधिकारों से युक्त मानता था। इस क्रांति के समय वहां का शासक लुई 16 था, जो कम आयु का था तथा अनुभवहीन था, जिसके परिणाम स्वरूप देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए। देश में आम नागरिकों की स्थिति दयनीय हो गई थी। धार्मिक अंधविश्वास भी व्यापक रूप से फैला हुआ था। इन समस्त समस्याओं को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से फ्रांस में 1789 ईस्वी में क्रांति का उदय हुआ, जिसके अनेक बुराइयों को समाप्त कर दिया गया था। तो फ्रांस की क्रांति के कुछ कारण थे। इसके अलावा आप राजनीतिक और सामाजिक कारणों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जो मैंने वीडियो क्रियाकलाप एनसीईआरटी क्रियाकलाप 1 और 2 में डिस्कस कराया, तो आप उस पर पूरी तरीके से वो वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके अलावा मैंने कक्षा 9 के कंप्लीट जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट कराया है, और इसी प्रकार आप सपोर्ट बना रहे हैं, वीडियो को लगातार वॉच करते रहें। इसके अलावा आपने यदि तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। आप अधिक से अधिक कमेंट करें ताकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स को पढ़कर थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है और ये लगता है कि हाँ, जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अपना सपोर्ट बना रहे हैं, पीछे के जो वीडियो हैं आप उनको जरूर देखें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।